हेलो माय ट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबको रौनक की किचन एंड ब्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस, आज फिर मैं बारात जा रही हूँ। आप लोग फिर से कहोगे कि अब तो कुछ और करो, क्योंकि एक फ्रेंड ने मुझे कमेंट किया है अब तो बस करो, शादी 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 बस करो। तो लेकिन सही बात बोल रही है, लेकिन मैं आप सबको बता रही हूँ इस सीजन का आज लास्ट शादी है। मतलब मैं जितना भी शादी अटेंड की हूँ तो आज आखिरी शादी है। आज अपने भाई का बारात में जा रही हूँ। मेरा फूफू का लड़का है और उसी का बारात जाना है। निकाह तो हो चुका है, मैं उसका ब्लॉग आप सबसे शेयर कर चुकी हूँ बहुत दिन पहले। वो 1 ईयर पहले निकाह हो चुका है। आज सिर्फ रुखसती है, तो हम लोग रुखसती करने के लिए जा रहे हैं और आज लास्ट शादी है और आज हम लोग बारात जा रहे हैं और वलीमा होगा 15th को। तो उस दिन का भी कुछ इसी के साथ मिक्स कर दूंगी, इसी बारात और वलीमा मैं एक साथ कर दूंगी इसी ब्लॉग में, क्योंकि ज़्यादा शूट नहीं करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके क्लिप्स लेके मैं दोनों को मिक्स करके आप सबको ब्लॉग शेयर करूँगी। तो गाइस, आप लोग ज़्यादा बोर मत होना और ये ब्लॉग देख लेना और आप लोग एंड तक जरूर देखना गाइस, बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आप सबको। और आप सब देखना और एंजॉय करना। और ये आज इस सीजन का लास्ट शादी है। तो गाइस, मैं देखिए मैं आज क्या पहनी हूँ और मैं फुल दिखा रही हूँ आप लोग को कि मैं आज क्या पहनी हूँ। तो देखिए गाइस, ये एक लॉन्ग स्कर्ट है और ये दुपट्टा है, रेड कलर का कुर्ती है और ये है आज का मेरा लुक, आज का मेरा ड्रेस। और बारात में मैं यही पहन के जाऊंगी। आप लोगों को मेरा ये ड्रेस कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना गाइस, अच्छे अच्छे कमेंट करना। और मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ ना कि अच्छे अच्छे कमेंट करना, तो इसीलिए बोल रही हूँ कि अच्छे अच्छे कमेंट से मुझे खुशी होती है। और यही है आज का मेरा फुल लुक। और आप सब अच्छे अच्छे कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि मैं आज कैसी लग रही हूँ। क्या नाम है तुम्हारा बताओ तो। अम्मू, बहुत अच्छा नाम है। अम्मू नाम तो बहुत प्यारा नाम है, बहुत प्यारी लग रही हो। कहाँ पे रहती हो तुम? अपना अपना इंट्रोडक्शन दो। दिल्ली में रहती हो ना? अच्छा, पड़ती क्या? ए, देखो ये मेरे बड़े वाले भाई का लड़की है, अम्मू नाम है इसका, बहुत प्यारी है। अपना नाम बताओ। बता तो दिया। अम्मू, असली नाम क्या है? अमीरा। अच्छा, कौन क्लास में पढ़ती हो? UKG में पढ़ती हो? कहाँ पढ़ती हो? अच्छा, देख लेना अब तुम भी YouTube पे आ गई, मेरे चैनल में आ गई। अब तुम अपना भी फोटो देखना, वीडियो देखना। तो हेलो हाय कुछ बोलो। सो फाइनली गाइस, मैं फूफी के घर पहुंच गई हूँ और मेरी बाजी जीजू सबको पहुंच गए, मेरे मम्मी लोग सबको पहुंच गए। बारात के लिए सबको रेडी हो चुके हैं और सबको मुझे बुला रहे थे कि सबको मिलके फ़ोटो खिंचाएंगे, मेरे फूफी की लड़की सब, मेरी बाजी, मेरे जीजू, मैं, मेरी मम्मी, सबको हम लोग मिलके एक फ़ोटो खिंचा रहे थे, क्योंकि ये सब निशान ही रहता है और अच्छा लगता है फ़ोटो खिंचाने में। तो मैं जीजू के साथ सबको, साली सब मिलके सबको फ़ोटो खिंचा रहा है। ये मेरा जीजू है, बहुत मजेकिया है, सबके साथ बहुत अच्छे से बात करते हैं और सब साली सब उसके ऊपर फिदा रहते हैं हमेशा और बहुत अच्छे हैं। और सबको हम लोग मिलके एक साथ फ़ोटो ले रहे थे, वीडियो ले रहे थे, बहुत इन्जॉय किया हम लोग, बहुत अच्छा लगा। तो आज का देखिए ब्लॉग और इन्जॉय कीजिए आप लोग। इधर पूरा वीडियो फोटो सब हो रहा है सब कोई। ये तो एकदम ऐश्वर्य राय लग रही है। चल उधर चलो, देखो चाय लेके आई है मेरे लिए। थैंक यू सो मच, ये मेरी छोटी बहन है, चाय लेके आई है। तो देखिए गाइस, उसके बाद मैं आंगन के तरफ आई। आंगन के तरफ देख रही हूँ कि दूल्हा मियाँ रेडी हो चुका है, यहाँ पे बैठा दिया है दूल्हा मियाँ को और दूल्हे को रेडी करके सब कोई चाय नाश्ता ये सब कर रहे हैं कोई। और उस वक्त एक रस्म होता है, दूल्हा को खिलाया जाता है, खीर खिलाया जाता है, लड्डू खिलाया जाता है, केला खिलाया जाता है, हम लोग में एक रस्म होता है। तो वही रस्म मनाया जाएगा अभी और आप लोग मेरे ब्लॉग के जरिए ये रस्म देखिए और इन्जॉय कीजिए।
देखो देखो ना वीडियो में डॉग का आँख चमक रहा है। देखो क्या नाम है, ओरियो ओरियो ओरियो, इधर देखो देखो आँख चमक। कुछ नहीं करेगा। अच्छा कहाँ से खरीदे थे इसको? सिलीगुड़ी। तो इसका प्राइस तो बहुत होगा। ये 35,000 का। अच्छा 35, तो इतना बड़ा ही लेके आए थे ना छोटा? फोर मंथ का है। अभी ये लगभग 18 महीना हो गया। 18 महीने का एज था तब लिए। अच्छा तब लिए थे। इसके पीछे तो खर्च भी बहुत होता होगा। 300 रुपया। 300 दिन। बाप रे बाप। तो चिकन लगता है 1 किलो। चिकन ही तो लगता है। और पेटी गिरी है। अच्छा चलिए हम लोग बारात के लिए निकल चुके हैं। खेते खेत जा रहे हैं और देखिए दूल्हा का गाड़ी आगे निकल चुका है। ये गांव है मेरे पप्पी के घर का गांव। चलो मैं आगे बैठी हूँ, पीछे कौन कौन बैठी है? तुम्हारा नाम? रुमाना का बहन है ये, रुमा का। रुमा क्या नाम है? मायरा। हाँ, अरे अरे रुमा का बहन का नाम तुम्हारा? रेशम। क्या रेशम? अच्छा तुम्हारा नाम नहीं पता था। अरे मायरा किसकी बेटी है ये? सामा। अच्छा ये तो सामा की बेटी, हम तो देखी ना। अच्छा एक बारात की गाड़ी और भी है, पता नहीं कहाँ जा रहा है ये गाड़ी। मस्जिद में आया। मस्जिद में आया ना नमाज पढ़ने के लिए। यहीं पे शायद दो दो शादी है। हम लोग आ गए, ये है। हाँ। आगे नहीं जाएंगे, आगे नहीं। चलो देख लो। सो फाइनली गाइस हम लोग बारात पहुंच गए, लेकिन बारात से हम लोग पहले पहुंचे हैं। बारात की गाड़ी पीछे थी और मेरे मम्मी बाजी ये लोग का गाड़ी और हम लोग का गाड़ी, हम लोग पहले पहुंच गए हैं क्योंकि हम लोग पहले से ही जानते हैं लड़की वाले के घर को। और लड़की वाले मेरे मम्मी का रिलेटिव्स है। और यहाँ पर जो डेकोरेशन किया बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन किया था और बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम लोग पहले पहुँच गए थे, बारात थोड़ा पीछे आ रही थी क्योंकि वो लोग को लेट हो रहा था। तो हम लोग पहले पहुंच गए क्योंकि हम लोग को फिर घर भी लौटना था, तो इसलिए हम लोग पहले पहुंच गए। हम लोग के पीछे बारात पहुंची है और यहाँ का डेकोरेशन बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और आप लोग भी देखिए यहाँ का डेकोरेशन, यहाँ बारात जो हम लोग आए हैं क्या क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब देखिए और इन्जॉय कीजिए। गाइस हम लोग आंगन के तरफ जा रहे हैं क्योंकि बारात अब तक आई नहीं थी। हम लोग फिर आंगन के तरफ गए, आंगन में जाके दुल्हन से मिले। और उसी दिन दुल्हन का भाई का भी शादी था, तो दो दो दुल्हन था। तो एक तो हम लोग जो भाई के साथ शादी हुआ वो एक दुल्हन थी और एक उसका भाई का जो शादी हुआ वो थी दुल्हन। तो आज आप लोग दो दो दुल्हन को देखने को मिलेगा आप लोग को। और आप लोग देखिए हम लोग आंगन के तरफ गए, आंगन में जाके बैठे बैठे दुल्हन के पास भी बैठे, दुल्हन मिलने आई तो मेरे मम्मी मेरे बाजी हम लोग सब कोई बैठे। तो दुल्हन आ गई, दुल्हन आने के बाद फिर हम लोग के पास बैठी, फिर दूसरी वाली दुल्हन भी आई। दोनों को बैठ के, दोनों के साथ बैठ के हम लोग
बैठ के हम लोग फ़ोटो खिंचाया, वीडियो किए, और फिर दोनों दुल्हन का फिर मैं एक साथ फिर वीडियो की, फ़ोटो की, बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्जॉय किए। और तब तक बारात नहीं पहुँची थी, हम ही लोग सिर्फ पहुँच गए थे, जब हम लोग खाना खाने बैठे थे तब बारात आई थी। तो देखिए आज का ब्लॉग और इन्जॉय कीजिए। रुमाल रुमाल दिया है, रुमाल दिया है, फूल दिया है, पेन भी है, क्या है, पेन भी दिया है, पेन भी है, पास पास भी है, पापा लोग इधर इधर देखो खाने के लिए बैठ गए हैं। क्या तुमको असली चीज तो तुम्ही को मिला है, पेन पेन मिला है, देखिए गाइस पेन मिला है, पेन हाँ लीजिए, आवाज़ ना चल उधर है, आगे देखिए ब्लॉग में आइएगा, ले लिए जीजा जी का, तुम लोग क्या खा रहे हैं, हाँ बहन जो है ना तो गाइस जब हम लोगों ने डिनर कर लिया तब बारात आके पहुंची, तो उस वक्त का मैं शूट नहीं कर पाई। तो हम लोग का जो दूल्हा मियाँ है, जो मेरा छोटा भाई है,
स्टेज में जाके बैठ गया है, तो उसका अभी शूट कर रही हूँ, देखिए। और इसके बाद हम लोग ज़्यादा देर बैठे नहीं, रुखसती तक हम लोग नहीं देख सके, बस हम लोग खाना खाए और थोड़ा सा भाई से मिले और आंगन में जाके थोड़ा सा किसी किसी से मिल लिए, उसके बाद फिर हम लोग अपने अपने घर के लिए निकल गए। हाँ, सो गई। बोलो बड़ा बड़ा बोने सब नहीं खाता है, नहीं खाता है ना, ना बड़ा बोने सबको भूखे रहना पड़ता है। हाँ लिखवा देते हैं। ये मेरी बहन है, प्यारी बहन, ये इसकी बेटी है, दोनों बहुत प्यारी है। अच्छा, कौन क्लास में पढ़ती हो दोनों? तुम 12 कंप्लीट, और तुम बीए कंप्लीट। हाँ, तुम्हारी मम्मी भी तो पढ़ी है इसलिए तुम लोग पढ़ी हो। तुम्हारी मम्मी भी बहुत पढ़ी है। तो यहाँ से अलविदा करते हैं, आप जाएंगे, बहुत हो गया, वहाँ ले लेते हैं लास्ट बुला का। हम रहा छी, ठीक है। ओ हार पिन लो, अच्छा लगे, आप हार पिन लो ना, अच्छा लगे। चल हम जा, अब परसों दिन मुलाकात हो, ठीक है। बैठो 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 बैठो, चलो अभी बैठने जा रही हूँ भाई। निकले ना, ठीक है भैया, परसों दिन मुलाकात हो भैया, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ भी फोन करो तुम, गाँव है और ये रौनक ब्लॉग है। हाँ चलो जा रहे हैं। तो यहीं से गाइस बारात का ब्लॉग खत्म होता है। अब है वलीमा का ब्लॉग, क्योंकि वलीमा में तो मैं नहीं आ सकी थी, और रात में जो लड़की वाले लाने आए थे लड़की को, तो उस वक्त का मैं ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि वलीमा का ब्लॉग शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि मैं वलीमा दिन में था, दिन में मैं आ ही नहीं सकी, तो रात में आई थी। रात में ये लोग सब कोई आए थे, मेरे दामाद आए थे, जीजू आए थे, मेरे नंदोई थे, मेरे भाई थे, मेरे पापा, मम्मी, मेरे बाजी, हर हम लोग सब कोई थे। तो और लड़की वाले आए थे रात में लेने के लिए, तो उसी का ब्लॉग मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। आप सब देखिए और इन्जॉय कीजिए। सो फाइनली गाइस लड़की वाला आके पहुंच गया है। यार ये जो दुल्हन देख रहे हैं, लड़की का भाई की वाइफ है, ये भाई की दुल्हन है, जो मैं आप सबको बताई थी कि एक ही दिन में दोनों भाई बहन का शादी हुआ था, तो सबको लेने के लिए आया है। तो लड़की का जो भाई का दुल्हन है वो भी आई थी साथ में, तो यार लड़की की बड़ी बहन है, सबको आई है। और बाहर जो है, बाहर मर्द सारे गेस्ट बैठे हुए हैं, कि मैं बाहर नहीं गई थी, अंदर का जो व्यू था, अंदर जो जो आए थे, तो वही लोग का मैं शूट की थी। तो
तो देखिए ब्लॉग।
सब आ जाएगा। हम एक्चुअली क्या है की खाली ढूंढते रहते हैं किधर शादी है किधर क्या है, हम बोलते रहते हैं शादी के लिए, बारात के लिए, चौथाई के लिए, आने के लिए, है ना, ये हो तो हम फ्री हैं, तो दावत ही नहीं करते। ठीक है, बोला कि चलिए हम आगे इनके साथ। अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच आने के लिए।